अजी सुनती हो? अजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारा बेटा 18 साल का हो गया है और आपको आज तक पता नहीं बता कि मैं सुन भी सकती हूँ। वो सब छोड़ो, हमारा बेटा उज्जवल किधर है? उज्जवल बेटा, उज्जवल। हाँ जी, और फिर बेबी फोन रखो, माँ बुला रही है। हाँ जी, हमने बुला लिया। तेरा मामा तुझे याद कर रहे इधर पे। कहिए पिताजी, क्या बात है? तुम्हारा जे का रिजल्ट आया है ना? हाँ वो तो आया है। हाँ, मुझे तुम्हारा रिजल्ट देखना है। क्या है ये, 12वीं की बोर्ड में 90% तक नहीं पहुंच सके? मुझे पता ही था तुमसे ये नहीं हो पाएगा। वो देखो तुम्हारा अंकल का बेटा चिंटू 11वीं में पूरे 90% के साथ पास हुआ है। पापा, मैंने कोशिश की थी पर इस पर नहीं हो पाया। कोशिश मैंने देखी है, तुमने कितनी कोशिश और मेहनत की। बस अमित जी, बस आप हमारे बच्चों को और मत डांटिए। वैसे ही बेचारा अपनी पढ़ाई को लेकर कितना परेशान है और वैसे भी ऊपर से वो अपना फर्स्ट ड्रॉपआउट देने वाला है, तो उसे आप सपोर्ट करने के बजाय इतना क्यों सुनाते हो? हर चीज की एक हद होती है। ठीक है परिस्थल बेटा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुम इस बार जेई क्रैक नहीं कर पाए तो IIT बनने का सपना छोड़ ही दो। बेटा उज्जवल, क्लास पे आ गए? अंकल जी, आंटी जी, नमस्ते। कहिए कैसे हो? मैंने सुना तुम्हारे रिजल्ट के बारे में, क्यों इस बार भी नहीं लगा? अंकल जी, इस बार तो तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकते, वोट्स तो दुबई दूंगा, जे भी दूंगा। हाँ जीतू जी, अब भी क्या, बच्चे को इतना परेशान मत कीजिए। सही है, और तूने सुना है ना मेरे दोस्त जीतू, हार के जीतने वाले गरीब बाजी कहते हैं। देख लेंगे। चलो चाय पीने चलते हैं। मत कर परवाह उनकी, जो देते हैं आज तुम्हें ताना, झुका देंगे अपना सर जब आएगा तेरा जमाना। अगर लहर बन जाए तूफान तो कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Scene 3 कोचिंग सेंटर का सीन।
अगर ऐसा ही चलता रहा ना, मुझे नहीं लगता तुम जेक क्रैक कर पाओगे। हेड ऑफ। ऑलराइट, लेट्स गेट टू द प्रीवियस टॉपिक, थर्मोडायनामिक्स। ऑलराइट, द क्लास इज ओवर, प्लीज डू योर होमवर्क्स। सीन 4, आइए देखते हैं दावा में क्या होने वाला है। दोस्त लोग क्या करें, आजकल जीना मुश्किल हो गया है। तो पास वो कौन था, क्लास नंबर सेलिना का नंबर है क्या? मेरे पास नहीं होगा। बाबी तो बिजी हो क्या, बोलते ब्यूटी पार्लर में नाक का बालों बाबा और नेक्स्ट करने का। हाँ दोस्त, बाबी का इतना ख्याल रखते हैं, हम कभी रखो नहीं। वही क्या रखते हो ये सब? चलो आज बाबा कौन खिलाएगा, हम तो पैसा नहीं भूखा, हमको मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं। और दोस्त हम तो खिलाते ही नहीं, जानते हैं हम नहीं खिलाते हैं। तुम पैसे क्या करेंगे, जो हारेगा वो खिलाएगा। मेरे बाबू ने थाना था यार,
जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सीन ने अब तक हमें देखा कि एस्पिरेंट एंट्रेंस से पहले कैसे होता है, आइए अब देखते हैं रिजल्ट के बाद का रिएक्शन। पापा जी, मम्मी जी, मैंने चेक कर लिया। मैंने तो जॉब का दर्जन माने बधाई के लिए कहा था। सविता जाओ पूजा के लिए आओ। बेटे मेरे तरफ से ये तोहफा आना बोला था। थैंक यू बाबा जी। मैंने कहा था ना आपके जितने वाले बाजी कर गए थे।